टूडे आई विल डिस्कस अबाउट फॉरेंसिक मेडिसिन एंड मेडिकल सो विदिंग मेडिसिन का मतलब क्या होता है तो अगर मैं इस फॉरेंसिक फॉरेंसिक शब्द है इसका मतलब क्या होता फॉरेंसिक मीनम यह फोरम जो वर्ड है यह एक लेटिन वर्ड है कम्स फ्रॉम लेटिन वर्ड और इस फोरम का मतलब होता है एक तरीके से एक तरीके से एक ये मीटिंग प्लेस होता पहले बहुत पहले क्या होता था एक मीटिंग प्लेस होता था जहाँ पर बहुत सारे लोग गैदर्ड होते थे और जितने भी लीगल मैटर्स हैं वहाँ पर सॉर्ट आउट किए जाते थे तो उसे क्या बोलते हैं फोरम एक तरीके से ओपन कोर्ट हम कह सकते हैं तो फॉरेंसिक मीन्स फोरम विच कम्स फ्रॉम अ लेटिन वर्ड मीटिंग प्लेस और इसका मतलब क्या है मीटिंग प्लेसिस वे आर द सिविल एंड लीगल मैटर्स फर सॉल्व द फॉरेंसिक मीन्स इशू पर टेनिंग टू लॉ और वहीं अगर मैं मेडिसिन की बात करूँ तो यहाँ मेडिसिन का मतलब ये नहीं है जो हम मेडिसिन खाते हैं जब ये मेडिसिन शब्द फॉरेंसिक शब्द के साथ आता है तो इसका जो इम्प्लीकेशन होता है थोड़ा वाइड हो जाता है वो देखते हैं इट हैज़ अ वाइड इम्प्लीकेशन वैन कम्स विद फॉरेंसिक मेडिकल नॉलेज टू सॉल्व द मेडिको लीगल प्रॉब्लम लाइक कॉज ऑफ डेथ एंड टाइम सिंस डेथ तो बेसिकली यहाँ फॉरेंसिक मेडिसिन का मतलब क्या है एक तरीके से हम मेडिकल नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं टू सॉल्व द मेडिको लीगल प्रॉब्लम जैसे कि कॉज क्या है डेथ का डेथ की टाइमिंग क्या है किस वेपन से डेथ जो मर्डर है किया गया है तो ये सब चीज़ें हम अपना मेडिकल नॉलेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं किसी भी केस को सॉल्व करने की ये सब चीज़ें किस में आएंगी? ये सब चीज़ें आएंगी फॉरेंसिक मेडिसिन में अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है फॉरेंसिक मेडिसिन इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज टू एड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो बेसिकली फॉरेंसिक मेडिसिन एक ब्रांच है मेडिकल साइंस की जिसके अंदर जो मेडिकल नॉलेज है वो हमारी हेल्प करती है किसमें जस्टिस में, में. कि डेथ किस वजह से हुई है डेथ कब हुई है और किस तरीके के हथियार से किस वेपन से की गई है तो इस तरीके से ये जस्टिस में हेल्प करती है तो फॉरेंसिक मेडिसिन क्या है फॉरेंसिक मेडिसिन इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज टू एड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज फॉर लॉ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल तो इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन में हम अपना जो मेडिकल नॉलेज है उसको अप्लाई करते हैं लॉ में फॉर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल अब सिविल और क्रिमिनल में फ़र्क क्या होता है जैसे मर्डर वगैरह है ये सब क्रिमिनल मैटर्स में आते हैं वहीं सिविल मैटर में जैसे कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया या फिर जो भी डिवोर्स का केस है तो ये सब सिविल मैटर में आता है तो इन दोनों में ही जो मेडिकल नॉलेज को जो हम अप्लाई कर रहे हैं लॉ के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन द फॉरेंसिक एक्सपर्ट कैन ओपाइन द सैड इंजरी हैव बीन कॉज ड्यू टू वहीकुलर एक्सीडेंट और नॉट ड्यूरेशन ऑफ इंजरी नेचर ऑफ़ इंजरी कॉज ऑफ डेथ एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही ये बता सकता है कि वो जो इंजरी हुई है वो एक्सीडेंट की वजह से हुई है या नहीं हुई है उस इंजरी की ड्यूरेशन क्या है नेचर कैसा है और डेथ का क्या कॉज है तो ये सब चीज़ें एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही बता सकता है सिमिलरली इन केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट इज एबल टू गिव द ओपिनियन दैट वेदर द सैड एक्ट हैज़ बीन कमिटेड और नॉट टाइप्स ऑफ इंजरी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्ट अगर मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ फॉरेंसिक मेडिसिन एक एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊँ तो इसको ऐसे समझा सकता हूँ जैसे कि मान लो एक पर्सन है वो रोड पर चल रहा है बट ड्यू टू कोरोनरी थ्रोम्बोसिस वो क्या हो गया वो बेहोश हो गया और एक मोटर वहीकल जो उसके ऊपर से चली गई तो देखने वाले को तो ऐसा लगेगा कि जो मोटर वहीकल जो ड्राइवर है उसने उस पर्सन की उस ड्राइवर की वजह से डेथ हुई है बट जब उसका पोस्टमार्टम होगा तब पता चलेगा कि वो जो डेथ है वो तो पहले ही हो चुकी थी ड्यू टू कोरोनरी थ्रोम्बोसिस सो और सो so, इस सब चीज़ों में ये फॉरेंसिक मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल होता है ये एक तरीके से जस्टिस जस्टिस में हेल्प करती है जिसमें हम क्या करते हैं मेडिकल नॉलेज को अप्लाई करते हैं टू एड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस so basically, ye example, a person may die of coronary thrombosis while walking on the road. his dead body may be run over by the motor vehicle and the driver charged with culpable homo homicide not amounting to murder. histochemical and biochemical studies of injuries would establish that the injuries are sustained. पोस्टमार्टम एंड एग्ज़ामिनेशन ऑफ कॉरोनरी आर्ट्रीज विल रिव्यू द परजनस ऑफ डिसीज तो इस तरीके से वो जो ड्राइवर है वो बच जाएगा तो यहाँ पर एक तरीके से जस्टिस में ज एक तरीके से जस्टिस में हेल्प कर रही है ना तो फॉरेंसिक मेडिसिन क्या है फॉरेंसिक मेडिसिन इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज टू एड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सो ये बात आपको पता तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ आपको इस फॉरेंसिक मेडिसिन का तो ये फॉरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन हुई अब मेडिकल जूरिस क्या होता है मेडिकल जूरिस की अगर मैं बात करूँ मेडिकल जूरिस प्रूडेंस तो मेडिकल प्रूडेंस इट कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड इट कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड ड्राइवड फ्रॉम द जूरिस जूरिस मतलब होता है लॉ एंड प्रूडेंस मतलब होता है नॉलेज तो बेसिकली क्या है मीनिंग द स्टडी नॉलेज और साइंस ऑफ लॉ बेसिकली मेडिको मेडिकल जूरिस प्रूडेंस में uh, क्या आता है एक तरीके से इसके अंदर लीगल uh, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक फिजिशियंस की फिजिशन की या डॉक्टर की विद रेफरेंस टू देयर पेशेंट अपने कलीग्स के साथ अपने स्टेट के साथ तो वो किस में आता है मेडिकल जूरिस में आता है बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं मेडिकल जूरिस और फॉरेंसिक मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर हम क्या कर रहे हैं मेडिकल नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं टू एड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कि एक तरीके से डेथ की कॉज क्या है डेथ कब हुई है किस वेपन से की गई है तो ये सब किसके अंदर आएगा ये सब फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर आएगा वहीं मेडिकल ज्योरी का मतलब होता है ये एक तरीके से अगर मैं सिंपली समझाऊं तो ये एक तरीके से ये ए, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिजिशियन की अपने पेशेंट्स के प्रति या अपने कलीस के प्रति या स्टेट के प्रति तो इसके अंदर क्या क्या आएगा इसके अंदर आएगा डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप और डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ इसके अंदर आएगा माल प्रैक्टिस रॉन्ग डायग्नोसिस अनेसरी सर्जरी क्रिमिनल तो ये सब किस में आएगा डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में क्या आएगा जैसे कि तो कोई रॉन्ग डायग्नोसिस डॉक्टर ने कर दिया है आ, करने का, सर्जरी करनी थी हार्ट की कर दी किडनी की तो इस तरीके की जो माल प्रैक्टिस है, है ना अननेसेसरी सर्जरी कर दी तो ये सब डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में आएगा वहीं डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप में आएगा आ डॉक्टर क्रिटिसाइजिंग हीज कलिक एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि उसको ए, ए, एक तरीके से इलाज करने नहीं आता अपने ही कलीग को क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो वो भी वो भी जो मैटर है वो जो डॉक्टर है उसे कोर्ट में घसीट सकता है आसानी से तो ये सब चीज़ें ये सब मैटर किस में आता है डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप और डॉक्टर क्रिटिसाइजिंग हीज़ कलीग और डूइंग एनी थिंग दैट मीन्स ऑफ अनफेयर और तीसरा क्या है डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप में जैसे कि आ, किसी भी केस में अगर स्टेट गवर्नमेंट आपको एज एक्सपर्ट कोर्ट में बुलाती है बट आप वहाँ नहीं जाते हो, तो उसमें उस डॉक्टर को कई सारे कॉन्सिक्वेंस झेलने पड़ते हैं तो वो किस में आएगा डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप इसमें क्या है नॉट अटेंडिंग कोर्ट इन रिस्पॉन्स टू आ सपीना अब सपीना एक तरीके से होता है समन सपीना का मतलब क्या है समन समन क्या होता है तो समन एक तरीके से समन एक तरीके से रिटर्न ऑर्डर होता है समन क्या होता है एक तरीके से ये क्या है रिटर्न ऑर्डर टू अटेंड अ कोर्ट ऑफ लॉ टू गिव अ एविडेंस ये क्या होता है समन होता है तो डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप में क्या आएगा कि अगर आ, को समन अगर आपको आया है और डॉक्टर एज अ एविडेंस या किसी भी केस का कोई गवाह है वो पेश नहीं होता तो ये किस में आएगा ये आएगा डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप नॉट अटेंडिंग द कोर्ट इन रिस्पॉन्स टू सपीना सपीना का मतलब होता है समन और समन का मतलब क्या होता है रिटर्न ऑर्डर टू अटेंड अ कोर्ट ऑफ लॉ एक तरीके से लीगल नोटिस होता है फॉर टू गिव एविडेंस ठीक है एज अ एक्सपर्ट अगर आपको बुलाया जा रहा है या किसी कि के, किसी केस के अगर आप गवाह हो तो उसके लिए बुलाया जा रहा है और अगर आप नहीं आते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंस उस डॉक्टर को झेलने पड़ते हैं तो वो सब चीज़ें किस में आती हैं डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप में तो ये था मेडिकल जूरिस अगर मैं एक और बार समराइज़ करूँ तो मेडिकल मेडिकल ज्यूरी स्टूडेंट्स और फॉरेंसिक मेडिसिन में बेसिक डिफ़रेंस ये है कि फॉरेंसिक मेडिसिन में हम मेडिकल नॉलेज को अप्लाई करते टू एड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जैसे जो डेथ हुई है उसका कॉज क्या है किस वेपन से की गई है या उस डेथ का समय क्या है तो एक तरीके से एज अ एक्सपर्ट आप काम करते हो लॉ की मदद करते हो तो वो किस में आता है फॉरेंसिक मेडिसिन में आता है वहीं मेडिकल जूरी स्पूडेंस के अंदर एक फिजिशियन या एक डॉक्टर की क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने पेशेंट के लिए अपने कलीग्स के लिए या स्टेट के लिए वो किस में आता है वो मेडिकल ज्यूरी स्पूडेंस में आता है तो इसी के साथ ये जो पूरा हमारा टॉपिक था फॉरेंसिक मेडिसिन एंड मेडिकल ज्यूरी स्पूडेंस कम्प्लीट हुआ मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ तब तक खुश रहें मस्त रहें जय हिंद